नमस्कार, देख रहे हैं जनता न्यूज। मैं हूँ आपके साथ विचार चलना। पेंशन का मुद्दा कुछ नया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेंशन जो है वो बहाल नहीं की गई, यानी कि पेंशन जो मिलती थी वो बंद कर दी गई है। इसी को लेकर बहुकोट के लोगों ने भी अब आवाज उठाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी किसी बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। और ये वो सीएपीडी के फॉर्म है, आप देखिए, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये राशन को लेकर ये फॉर्म्स हैं, और फिलहाल ये मुद्दा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो 1,000 पेंशन इन्हें मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। और इससे पहले भी कई बार हम देखा जो प्रोटेस्ट जो है वो किए जाते थे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, पेंशन का मुद्दा जो है पहले भी उठाया गया है, इसको लेकर प्रदर्शन किए गए हैं, बहुकोट के लोग भी इसमें शामिल हैं, किस तरीके से परेशानी आ रही है? देखो, ये जो बहुत बड़ी ये विडंबना रही है, हमने कोई कारण नहीं छोड़ा है, हमने कोई कारण नहीं छोड़ा है जिसके पास नहीं गया है। हमने कॉरपोरेशन की ओर से भी बहुत प्रोटेस्ट किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं, मेमोरेंडम दिए गए हैं। मेमोरेंडम एक सोशल वेलफेयर जो कमीशन सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर से लेकर हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कैबिनेट मंत्री और स्टेट मंत्री हैं, सभी को हमने मेमोरेंडम दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई नहीं हुई है, इन गरीबों की सुनवाई नहीं हुई है। और जो सुनवाई अगर नहीं होगी, अगर नहीं इनकी पेंशनें बहाल होंगी, नहीं इनके पी, हमने कहा कि पीएचए राशन कार्ड की कंडीशन डिलीट कर दो, तब जाकर इन लोगों की पेंशनें लगेंगी। ना तो इनके जो पीएचए राशन कार्ड बन रहे हैं, और ना ही इनकी पेंशनें बाहर हो रही हैं, ना ही इनके फॉर्म जो है सीएपीडी डिपार्टमेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है। इससे ज्यादा बेइंसाफी और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा मैं जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जहां पर विजिट थी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जब जहां पर विजिट थी, हमने अपील की थी कि इन गरीबों के जो खून के आंसू जो रो रहे हैं, इनके आंसू पूछिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इनकी पेंशनें बहाल नहीं होती हैं, तो जम्मू के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं जो पेंशनों से महरूम रह गए हैं, चाहे वो फिजिकल चैलेंज लोग हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे वो विडो लेडीज हैं, सभी को इकट्ठा करके एजिटेशन करेंगे ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। हम कभी भी चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये इन गरीबों के आंसू पूछिए जो खून के आंसू रो रहे हैं। बाकी स्टेटों के अंदर 2,500, 3,000, 2,000 पेंशने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के गरीबों के 1,000 जो मिलती थी वो भी छीन ली गई है। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी दो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जीत के गए हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेगी, इन गरीबों के आंसू पूछिए जो खून के आंसू रो रहे हैं, इन गरीबों के आंसू पूछिए। ये गरीब लोग हैं, इनकी बद्दुआएं मत लीजिए। मेरी दोबारा डॉक्टर वीरेंद्र जी जो इसके कैबिनेट मंत्री बने हैं, रामदास ठावले जी जो स्टेट मंत्री हैं, मेरी उनसे भी उनको भी पहले 4 मेमोरेंडम दिए थे हमने, पर्सनली मिले थे उनको, रामदास ठावले जी को, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। आज हम ये वार्निंग भी देते हैं, अगर इन लोगों की पेंशनें बहाल नहीं होंगी तो बड़े पैमाने पर जम्मू के अंदर एजिटेशन करेंगे ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। तो देखिए, पेंशन का ये मुद्दा है, पेंशन बहाल करने की इनकी मांग है, और इनके मुताबिक अगर इस बार भी सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय पर इसको लेकर आंदोलन देखा जा सकता है। कैमरा मैन चलना चाहूंगा।